अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मुशाहिद हुसैन और वाइस प्रेसिडेंट बारवानी पाकिस्तान। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका भी तारफ आगे जाकर आपसे करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आज को आपके टॉपिक के बारे में आज के टॉपिक के बारे में बताना बहुत जरूरी है, जो है रोल ऑफ एग्रीप्रेन्योरशिप इन द रूरल यूथ डिवेलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। जो एग्रीकल्चर की जो है उसका पाकिस्तान की यूथ में, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनमें जो डेवलपमेंट है उसमें क्या किरदार है। तो आज एक गपशप होगी और एग्रीकल्चर के हवाले से, क्योंकि एग्रीकल्चर पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की मानिंद है। पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर है वो मईशत में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। 21% जो इकोनॉमी रन की जाती है पाकिस्तान की, वो जो हमारी एग्रीकल्चर है वहां से अपनी इकोनॉमी हम वसूल करते हैं। जबकि जो हमारा रूरल एरिया है, जो 65% जो लोग हैं वो भी ज़राअत से वाबस्ता हैं और उन लोगों की जो ज़रिया माश है वो एग्रीकल्चर है। तो इन सारी मामलों के ऊपर जो हमें मुश्किलात जो पेश आ रही हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है जी अहमद रजा करमानी साहब, जो प्रेसिडेंट है नेशनल एग्रीकल्चर यूथ कमीशन के। ये नेशनल एग्रीकल्चर यूथ कमीशन क्या है, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं भी आप सब लोगों को बताऊंगा और बाद में हम अहमद रजा करमानी साहब से, ये एग्रीकल्चर यूथ कमीशन है क्या। नेशनल एग्रीकल्चर यूथ कमीशन ये अवार्ड सेरेमनी भी देते हैं पाकिस्तान में, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग हैं उनको पजीराई नहीं दी जाती ना उनको अप्रिशिएट किया जाता है। ये अहमद रजा किरमानी साहब का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिन्होंने लास्ट ईयर भी इस साल भी वो करने जा रहे हैं। तो इसमें वो जो भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी लोग हैं, जो इस पेशे से वाबस्ता है, फार्मर्स हैं, हमारी जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी जो प्रोफेसर हजरात हैं जिन्होंने रिसर्च की हुई है, तो इस हवाले से जितने भी लोग हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए एक नेशनल एग्रीकल्चर यूथ कमीशन अवार्ड के तौर पर एक जो कॉन्फ्रेंस है उसका इनकार भी किया जाता है हर साल। तो आज मैं बिना जो मैंने इतना टाइम ले लिया है इसको बावजूद मैं अभी अपने गेस्ट की तरफ जाऊंगा अहमद रजा किरमानी साहब की तरफ से, कि वो अपना एक इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे और हमें बताएंगे कि नेशनल एग्रीकल्चर यूथ कमीशन है क्या, फिर हम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुशाहिद, आपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। और लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता चलूँ कि नेशनल एग्रीकल्चर यूथ मिशन 7 साल पहले हमने एक छोटे से एक आइडिया से स्टार्ट की थी दोस्तों ने मिलके, और अभी ये एक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में और काफ़ी अच्छा इसका काम जा रहा है। और जिस तरह आपने कहा कि हमने अवार्ड प्रोग्राम करवाया लास्ट ईयर, इसमें हमारे पास 1000+ जो हमारे पास एप्लीकेशन आई थी, जो एग्रेरियन थे, किसान थे, एग्रीप्रेन्योरशिप पे जो काम कर रहे थे लोग, हमने उसमें से कम करते हुए सिर्फ 32 लोग जो पूरे पाकिस्तान से एजे के, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी के हमने जो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी 32 लोगों में डिवाइड की और उन्हें अवार्ड दिए, और मेरिट पे लोगों को दिए कि किसी की सिफारिश नहीं, ना मैं किसी को जानता था। और नेशनल एग्रीकल्चर यूथ कमीशन बड़ा एक स्टूडेंट और यूथ बेस्ड, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट और एग्रीकल्चर यूथ जो काश्तकार काम कर रहे हैं, जो नौजवान काम कर रहे हैं काश्तकारी में, जो लाइफ स्टाइल के साथ मुंसलिक हैं और जो एग्री बिजनेस के साथ मुंसलिक हैं, उन लोगों का एक मजमू है पूरे पाकिस्तान से। तकरीबन हमारे पास 2500+ जो मेम्बर्स हैं, चैप्टर्स हैं हमारे प्रोविंसीज के, यूनिवर्सिटीज के, और कुछ कंट्रीज हैं हमारे कि जिस तरह चाइना में एग्रीकल्चर। अगर हम इसके डीप में जाएंगे तो शायद हमारे इंटरव्यू आज नेशनल एग्रीकल्चर यूथ कमीशन पे ही हो जाए। तो सर मैं बिल्कुल आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया। आप अपनी मसरूफियात में से आप बड़े मसरूफ होते हैं। तो सर आज हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं कि बिल्कुल एग्रीप्रेन्योरशिप का जो किरदार है यूथ डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में वो क्या है, ये बेसिकली हमें टॉपिक समझा दें पहली। तो एक ब्रीफ सा जो इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक के मुताबिक वो काइंडली आप ब्रीफ कर दे तो हाँ एक बिल्कुल, बेहतर जो अभी जिस तरह आप तो बचते हैं या नहीं है। थैंक यू। बिल्कुल मैं अभी ये बताता हूँ आपको कि जो हमारा एग्रीप्रेन्योरशिप क्या चीज़ है। एग्रीप्रेन्योरशिप है पूरी दुनिया जो इस टाइम है हमारी एग्रीकल्चर को लेके बिजनेस की तरफ जा रही है, उसको एक सनत बना लिया हुआ है। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में अभी तक ये एक मामूली सा पेशा है। ठीक है, इसको सिर्फ अपने रोजी रोटी या अपने मामूली नहीं है,
हमें हम ये आपने बात ठीक कही है कि हम मामूली समझते हैं, लेकिन ये मामूली नहीं है, क्योंकि मैं वही चीज 21% जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान की इस पे बेस्ड करी है, तो हम मामूली नहीं समझ सकते, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की पुलिस की, सर आप बात को कैरी करें, हमें ऑडियंस मैं वही चीज कह रहा हूँ ना कि हमने इसको मामूली समझा हुआ है, ठीक है। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद होता है और उसके बाद हमारी जो इकोनॉमी का 50% जो बजट है, जो जो सारा जीडीपी है, वो एग्रीकल्चर उठा रही थी। अब वो कम होते होते 21% रह गया और अभी जो लास्ट फिगर है वो 18.9 है, ठीक है। जो ये अभी एक साल में, ये 6 महीनों में ये कोविड की वजह से अभी हमारा जीडीपी है इसमें और कम हो गया, लेकिन जो इसका सबसे 18.9% जो हमारा जीडीपी है उसमें 56% लाइफ स्टॉक का है, ठीक है, और 44% एग्रीकल्चर जिसमें क्रॉप्स और बाकी चीजें आ जाती हैं। अब इसका हमारा जो रोल है रूरल यूथ डेवलपमेंट में एग्रीप्रेन्योरशिप को हम क्यों प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर यूथ कमीशन एक ये नई चीज हमने मुतारिफ कराई, एग्रीप्रेन्योरशिप दुनिया में हो रही है लेकिन पाकिस्तान में इसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं तैयार है? हमने एग्रीकल्चर को, जिस तरह मैंने कहा ना, मामूली समझ लिया, हमने इसको मामूली समझा, हमने इसको एक सनत नहीं बनाने की सोची। अब हमें जरूरत है, हमें अपने जो देहात है, हमें जो अपना देहात का रहने वाला नौजवान है उसको बूस्ट करना है, तो हमें इस जो ज़राअत को बिजनेस बनाना पड़ेगा। जब तक हम इसको ज़राअत को बिजनेस नहीं बनाएंगे, हम जो हमारे जो हालात हैं, हमारा जीडीपी इससे भी कम होता चला जाए जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एग्रीकल्चर से, लाइफ स्टॉक से मिला के, ठीक है। अभी जो अब मेरा मोटिव है एग्रीप्रेन्योरशिप को लेके, यूथ डेवलपमेंट को लेके, ठीक है, हम नौजवान को बिजनेस की तरफ लाना चाह रहे हैं कि जो उसके वाले साहब अगर 4 एकड़ ही काश्तकारी कर रहे हैं, उसको डिजिटल एग्रीकल्चर की तरफ लाएं, उसको टेक्निक सिखाएं, उसको टेक्नोलॉजी सिखाएं कि यार तुम अगर 35 मन 1 एकड़ से लेते हो गंदम, ठीक है, इसको मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज, मुख्तलिफ टेक्निक्स, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उसको यूज करते हुए ज्यादा लो, ठीक है, अपनी काश्तकारी को, अपने लोगों में, अपनी जो आप प्रोडक्शन ले रहे हो, वो सारी चीजें आ रही हैं आपकी, उसमें आपने किस तरह से इसको अपने आम पब्लिक तक देना है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अभी लास्ट ईयर, अभी इसी ईयर में जो गंदम थी वो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने ले ली, ठीक है, 25 मंथ से ज्यादा कोई रख नहीं सकता था। अब एक चीज है जो जो कॉन्सेप्ट हम देना चाह रहे हैं वो ये है कि पैदावार की जाए, ठीक है, गवर्नमेंट भी ले, लेकिन गवर्नमेंट, हम एक कॉन्सेप्ट ये दे रहे हैं जो एग्रीप्रेन्योरशिप का है, वो ये है कि जी उसी गांव में एक यूनियन काउंसिल में ओवरऑल प्रोडक्शन देखी जाए कि कितनी है और वहां पे यूजेज देखा जाए, ठीक है, उस यूजेज को वहीं पे करके डिवाइड कर दिया जाए पूरी यूनियन काउंसिल में, पूरी विलेज में, ठीक है, बाकी उठा के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे ले जाए और उन्हीं नौजवानों के जरिए जो वहां पे अपने काश्तकारी कर रहे हैं उसके थ्रू ही तहसील, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, फिर नेशनल लेवल पे फ्लोर मिल्स और मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको दिया जाए, ताकि जो नौजवान और जो किसान, सर एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, यकीनन वो ऑडियंस के जहन में भी आ रहा होगा, ये बात अपनी यहीं से आप कैरी करेंगे, लेकिन सर ये जो जीडीपी कम हो रहा है, ये जो इकोनॉमी में जो शेयर है वो कम हो रहा है, इसकी वजूहत क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि ये जीडीपी में जो हमारी इकोनॉमी में जो ज़राअत है वो बड़ी एक अहमियत की हामिल है, जैसा कि हम सब समझते हैं जो हमारी जो बेसिक वीट है, जो गंदम है, हमारी जो क्रॉप है, जो मेनली जो हम फूड लेते हैं गंदम से, तो सर अगर वही कम होगी, अगर हमारा जीडीपी में इसका रोल नहीं है, तो फिर अब मैं आपको, अब वो जीडीपी जो कम हो रहा है हमारा, वो क्यों जीडीपी क्यों कम हो रहा है, हम जो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक कॉन्फ्रेंस होती है वीट के ऊपर, एक राइस पे सालाना, वो कहाँ पे होती है, पीसी में होगी, ठीक है, फूड सिक्योरिटी पे कॉन्फ्रेंस होती है, वो कहाँ पे होती है, मैरियट में होती है, सरीना में होती है। फिर तलक बातें कर रहे हैं जो हमारे जो लोग हैं उनके जहनों पे ये बड़ा असर करेंगी और ये बहुत गलत हो सकता है। हाँ, एक पीसी में कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या है जब एक फार्मर की एक्सेस ही नहीं है वहां पे, एक मैं वही तो चीज कह रहा हूं ना कि जिसने खेती बाड़ी करनी है वहां पे धूप में पानी लगाना है, सर्दी की रातों में उसने जाके पानी लगाना है, जलील होना है, अगर वही उस पीसी में आप देखें कितनी
सर मैं वही चीज़ है ना कि अब एक किसान ने शेखुपुरा में का रहने वाला हूँ, ठीक है, किस मेरा शहर, मेरा जो गांव है वो शहर से 12 किलोमीटर दूर है, ठीक है, सही है, तो मैं शहर आने के बारे में सोचता हूँ कि यार मैं किस तरह जाऊंगा, ठीक है, पीसी तो मेरी मुझे ख्वाबों में ही मैंने देखा, ठीक है ना, हाँ वो इन चीजों ने हमें दिखाया जरूर है पीसी, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने देखा नहीं, वो किसान ने नहीं देखा, ठीक है, जो किसान मेरा पेट पाल रहा है, जो किसान मेरा पेट पाल रहा है, जो किसान पूरे पाकिस्तान का पेट पाल रहा है, जो और लोगों को इस जगह तक पहुंचाने में किरदार अदा कर रहा है, हाँ हमें कॉन्फ्रेंसिस करनी चाहिए गांव लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे, विलेज लेवल पे, किसान के पास पहुंच के, ठीक है, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट इतना बड़ा खड़ा कर दिया हुआ है लेकिन सिर्फ उसकी तनख्वाहें दी जा रही हैं और उसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है, अब हम हमें इस फील्ड में ना, मैं आपको एक चीज बताता चलूँ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो बताना कि अभी तक 70 सालों में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कोई काम नहीं कर रही थी, ठीक है, हमने 2013 में इसका इनिशिएटिव लिया, हमने पूरी चीज़ें देखी, हमने कोई काम नहीं करा, हाँ काम कर रहे हैं किसान, किसान इत्तेहाद, किसान ये वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का सर ये एक पॉलिटिकल की तरफ पॉलिटिक्स की तरफ ये चली जाएगी, हाँ, वो किसान इत्तेहाद जिसने अपने मफादात के लिए लोगों को यूज किया, किसानों को, इसकी एक मिसाल मेरे अपने गांव, मेरे अपने शहर, मेरे अपने जिले में मिलती है। वहां पे लोग जितने पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, वो सर वो बस इस बात को छोड़े, ऐसे हाँ, लोगों की हम बात नहीं करेंगे जिन्होंने लोगों को यूज किया, फार्मर्स की बात अभी तक नहीं पहुंची ऊपर, बिल्कुल उनका सोल्यूशन नहीं हुआ अभी तक सर। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे कि सर आपके ऑर्गेनाइजेशन बड़ा अच्छा इकदाम किया, मैं उसको अप्रिशिएट भी करूंगा या ऑडियंस के सामने, या आप अवार्ड देते हैं लोगों को, अप्रिशिएट करते हैं, तो एक और अच्छी मोटिवेशन सर। बेसिकली हम लोग जो, मैं अब फार्मर है, वो उसका बेटा फार्मर नहीं बनना चाहता, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर का बेटा असिस्टेंट कमिश्नर जरूर बनना चाहता है, तो इसके पीछे वजूहत क्या है? क्या यही तो लैकनेस है हमारी इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कि हम लोग जो एग्रीकल्चर से वो दूर भागते हैं, जदीद टेक्नोलॉजीज को यूज नहीं करते? इसके ऊपर सर मैं भी थोड़ा सा आगे आप लोग आपको बताऊंगा जो मैंने ऑब्जर्व किया है बाहर में जो ममालिक वहां पे। अच्छा, यहाँ पे मैं चीज एक चीज बताता हूँ, ये जो किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता, या किसान का बेटा किसान बन अच्छा भी सोचता है वो, ठीक है, वो बाप की, अपने बाप की ना देख, बाप काफी नुकसान में जा रहा है, मेरा बाप मजबूरियां सह रहा है, मेरे बाप के ऊपर कर्जा है, वो इस डर से ना भागता है कि यार मैंने ना ये फील्ड नहीं चूज करनी है, ठीक है। अब आप देखें, इतनी हमारे पास 27 यूनिवर्सिटीज हैं पूरे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की, इंस्टीट्यूट मिला के कुछ रिसर्च सेंटर्स हैं, ठीक है, वहां पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, डिग्रियों पे डिग्रियां दी जा रही हैं, ठीक है, लेकिन फील्ड से ताल्लुक नहीं बनाया जा रहा। अगर अब फील्ड से ताल्लुक बना देंगे ना एक स्टूडेंट का, जिस तरह आप एक चीज चेक करें, MBBS एक बच्चा करता है, ठीक है, उसके बाद एक साल हाउस जॉब करता है हॉस्पिटल में, ठीक है, उसके बाद बेशक वो छोड़ दे, इसके बाद बेशक वो छोड़ दे, लेकिन उसका वो लिंक हो जाता है पब्लिक के साथ। हमें क्या किया जाता है, मैं एग्री ग्रेजुएट बना, ठीक है जी, एग्री ग्रेजुएट बनने के बाद मुझे, मैं फील्ड में गया तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, जो मैंने पढ़ा वो उसका कुछ ताल्लुक ही नहीं था फील्ड से। एक सवाल, वहां पे आपने कमी किस में देखी, अपने आप में, अपने इंस्टीट्यूट पे, अपने इन्वायरमेंट पे, अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे, या फिर अपॉर्चुनिटीज पे, वहां पे कमी किस चीज की थी? मेरे पास नॉलेज इसलिए नहीं था, मैं अब आपको बताता हूँ, मैंने डिप्लोमा किया था BSc के पहले 3 साल का, ठीक है, मुझे वो पढ़ाया गया उर्दू में, ठीक है, वो मुझे पढ़ाया गया यहाँ के उस्तादों की लिखी हुई बातें, ठीक है, जो फील्ड में काम करते थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने इंटर्नशिप की और मैंने 1.5 महीना फील्ड में गुजारी, तो मेरा बड़ा अच्छा था इंटरेक्शन किसान के साथ, कि मैंने अपनी लैंग्वेज पे पढ़ा हुआ था, ठीक है, और मैंने जाके बात की, उन्होंने मेरी बात को फॉलो किया, उन्होंने मेरी बातें माने भी। अच्छा, जब मैंने BSc में एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया, उसके बाद मैं जब वापस फील्ड में आया, तो भाई मुझे वो सारी चीजें भूल गई थी जो फील्ड में मैंने और 3 साल डिप्लोमे में पढ़ी थी। क्यों? मुझे पढ़ाई गई अंग्रेजों की बातें, कमी मैं आपको भी बता रहा हूँ कि मुझे पढ़ाई गई अंग्रेजों की बातें, जो यहाँ की थी नहीं, जो थी कैनेडा की, जो थी अमेरिका की, मुझे बताई जाती किसान के यहाँ की बातें, यहाँ के रिसर्च की भी बातें। आप रिसर्च को देख लें, आप भी रिसर्च के स्टूडेंट हैं, मैं भी रिसर्च का स्टूडेंट हूँ, हम क्या करते हैं अपनी रिसर्च के साथ, ठीक है, हमने कभी फील्ड में बाहर निकल के देखा नहीं, ठीक है, और हम रिसर्च पेपर्स और हमारी इतने इतने बड़ी बुक्स आ जाती हैं,
हमें कमी कहाँ पे आ रही है, हमारे अंदर है कमी, हमारे अंदर, हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर है कि हमने इसको एज अ हमने प्रोफेशन लेने की सोचा नहीं। आप इसको प्रोफेशनल डिग्री बना दें, ठीक है, ये आप देखें यहाँ पे लोग पागल हो जाएंगे इस डिग्री के लिए, काम सिखाएं काम। मैंने एग्रीकल्चर का काम सीखा, मुझे वो चलानी आती है जी, ड्रिल चलानी आती है, मुझे ट्रैक्टर चलाना आता है। आप वो फील्ड में बच्चे को भेजें, ठीक है, बच्चे को सिखाएं कि ये पौधा है। आप अपने ज्यादा एग्री ग्रेजुएट देख लें, उन्हें तो वीट के पौधे का नहीं पता होता कि यार ये इसका ये सिटा कौन सा है, ठीक है, और उसको ये नहीं पता कि जी मेरा जो है सूरजमुखी का ब्रासिका कौन है, सर सूरजमुखी कहाँ पे है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको भी पता है। तो हमें अपने अपनी कमी को पूरा किस तरह करना है, इस तरह करना है कि हमने जो हमारे फैकल्टी स्टूडेंट जो रिलेशनशिप है ना, वो उन्हें बेहतर बनाने की जरूरत है, अच्छा माहौल बनाने की जरूरत है, उन्हें फ्रेंडली माहौल जो बाहर की दुनिया में है, ठीक है, जो अमेरिका में है, जो कनाडा में है। अब मैंने मेरी डिग्री कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट की है, ठीक है, और वहाँ पे एक मेरे जो टीचर हैं अमेरिका से, वो बड़े फ्रेंडली माहौल में हमें सिखा भी दिए हैं, उन्होंने हमें 2-4 लेक्चर दिए हैं, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि उसने वो सारी चीज़ें सिखा दी जो मैं शायद यहाँ पे नहीं सीख पाया। तो सर मैं ये चाहूँगा कि हमें अपने आपस की, उन्होंने इतनी हमें फील्ड वर्क की इतनी एक्टिविटीज दे दी कि हमें उनकी जो लेक्चर लिए और जो फील्ड वर्क किया मैं सीख गया। हमें क्या जरूरत है, इन्वायरमेंट ऐसा बनाना है, हमें अपने बच्चे को सिखाना भी है, पढ़ाना भी है। बर्डन ना दें आप बच्चे को, ना कहें कि बेटा आप। जी जी एक और बात कि रिसर्च हो रही, डेफिनेटली हो रही, पाकिस्तान में कितनी इंस्टीट्यूट्स हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, तो सर वो रिसर्च का जो आउटपुट है वो फील्ड में अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? सर जो मैं आपको बताता हूँ फील्ड में क्यों अप्लाई नहीं हो रहा, अब फील्ड से हम लेते ही नहीं है कुछ, हम तो कहानियां लिखते हैं, ठीक है, वो अंग्रेजों की लिखी हुई कहानियां उठा ली, उसको वो मारा कॉपी पेस्ट और उसको चेंज 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 किया और हमने एक कहानी लिख दी कि ये मैंने काम किया मंडी बाउद्दीन में, ठीक है, ये मैंने काम किया शेखुपुरा में, ये मैंने काम कर दिया वीड के ऊपर जी गुजरांवाला में, ये राइस के ऊपर मैंने जी काला शकाकू में काम कर दिया। वो कहानी आप पढ़ लें, सिर्फ टॉपिक पाकिस्तानी होता है लेकिन वो जो अंदर वाला माहौल है वो नहीं पाकिस्तानी होता सर। और अभी एक और बात जो हमारे टॉपिक के रिलेटेड है कि एग्रीकल्चर प्रीनियरशिप को हम प्रमोट किस तरह कर सकते हैं, हम अवेयरनेस किस तरह दे सकते हैं? सर उसमें सबसे बड़ी अहम चीज है कि जो हमारे एग्री ग्रेजुएट्स, ठीक है, वो एग्री बिजनेस की तरफ आए, ठीक है, फूड से रिलेटेड बिजनेस की तरफ आए, क्रॉप प्रोडक्शन की तरफ आए, क्रॉप को बेहतर बनाने के लिए आए। Yes, ठीक है सर, अब एक चीज है उसमें मैं कुछ आइडियाज, कुछ ऐसी चीजें जो इनोवेटिव हो, कुछ ऐसी चीजें हो जो हम उनको फॉलो करते हुए, आपकी तरफ से कोई क्या सजेशंस हैं? आप एक सर, एक अदारे के साथ सर बरा हैं तो आप कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, तो सर वो कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको फॉलो अप किया जा सकता है? अभी जो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब से मैंने ये फील्ड में आया, मैं लाइक ना एग्री ग्रेजुएट बनता ना कम्युनिकेशन में एम फिल करता, मेरे वाले साहब ने कहा जी आप पढ़ो, ये पढ़ो और आपको ये अच्छी बात है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे मुझे बड़े अच्छे लोग मिले जो काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब वो गवर्नमेंट जॉब्स में थे या जो मामला ऐसे थे उनके साथ, तो उन्होंने उसके ऊपर एक वो गवर्नमेंट के एक वो बन गया उनका ना कि मैंने जाना है ऑफिस में, सुबह को बैठना है कुर्सी पर, शाम को उठ के आ जाना, ठीक है, उन्होंने उस टाइम नहीं किया काम। हाँ अब वो बूढ़े होके सोचते हैं कि यार करना चाहिए, हमें उस चीज का फायदा उठाना चाहिए, उनकी इस उम्र में मोटिवेशन का हमें उनको अपने साथ मिलाना चाहिए, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं कर भी रहा हूँ कि हमारा इदारा इंशाल्लाह जो जितने भी पुराने हमारे बुजुर्ग हैं, ठीक है, एग्री ग्रेजुएट्स हैं, प्रोफेसर हैं, उनको अपने साथ मिला के हम इन चीजों को एग्रीप्रेन्योरशिप पे खास तौर पर मुकम्मल एक प्रोग्राम लाना चाह रहे हैं, ठीक है, जो हम इंशाल्लाह बड़ा अच्छा जिसमें सारी चीजें हम डिजाइन कर रहे हैं, वो हम बड़ी जल्दी के 7 नवंबर को हमारा कह लें कि 7 नवंबर से 20, 21 या 19 दिसंबर तक हमने लॉन्च करने का प्लान किया हुआ है कि वो पूरा उसके ऊपर वर्किंग करके गवर्नमेंट को दे के, अगर गवर्नमेंट नहीं भी सपोर्ट करेगी, हम मुख्तलिफ लोगों को अपने साथ जो हमारे बिजनेस मैन है बड़े बड़े
उनको अपने साथ ऑन बोर्ड लेंगे, जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं ऑर्गेनिक कंपनीज और जो मुख्तलिफ कंपनीज है पेस्टिसाइड, उनको कहेंगे कि भाई जान आप हमारे साथ आए, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को हम इस तरह से चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। और जो कामयाब जवान में आपको लोन मिल रहे हैं उनके थ्रू भी हमने कुछ चीजें डिजाइन कर रहे हैं कि अभी वो अभी के कबल इस वक्त है ना कि मैं आपको कह दूंगी यार ये चीजें करें। हाँ, डिजाइन हो जाए, हम पूरे पाकिस्तान में उसको लॉन्च करें, ठीक है, उसमें मॉडल बनाएं, क्योंकि हमारा पहले ये है कि हम एक दो मॉडल ऐसा बना दें जो दुनिया के लिए मिसाल बने, ठीक है, दुनिया के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए मिसाल बनानी है, फिर दुनिया के लिए भी इंशाल्लाह मिसाल बन जाएंगे। पहले हम इनके लिए मिसाल बनाएंगे, फिर उसके ऊपर आपको पता है कि कोई भी काम करना आसान नहीं होता, पेपर वर्किंग बोलना आसान है, जब उसके ऊपर हम ग्राउंड पे जाएंगे थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इंशाल्लाह हमारी जो जो टीम हमारे साथ है, जो हमें मोटिवेशन मेरी मिल रही है मुझे जहाँ से, वो इंशाल्लाह हमें ये है कि हम जल्द से जल्द ये सारी चीजें बनाएंगे भी और ग्राउंड पे भी ले आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन वो ये जो आपने क्वेश्चन किया ना कि आप बताएं आइडियाज दें, वो इंशाल्लाह जब हम लॉन्च करेंगे ना वो बड़ा अच्छा एक हो जाएगा कि हम मैं यहाँ पे आपको कह के जाऊँ यार मैं ऐसे करूँ, मैं कल को ना करूँ, वो होगी बातें, ठीक है, हवाई बातें, जब मैं करके आपको दिखाऊंगा ना आप कहेंगे यार आपने, उस वक्त हम एक नया इंटरव्यू रख लेंगे ना, उस वक्त हम एक नया इंटरव्यू रख लेंगे कि भाई जान ये मैंने काम कर दिया, ये मैंने आपके शो में कहा था। सर एक और चीज, क्या जो आपने काम किया, जो आप करना करने जा रहे हैं, तो सर किसी ना किसी हवाले से गवर्नमेंट की सपोर्ट आपको हासिल हुई क्या? आप एग्रीकल्चर के जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर के सेक्रेटरीज हैं, उनको आपने अप्रोच करने की कोशिश की, अपना काम बताया कि सर आप भी करें, आप भी अप्रिशिएट करें, खुदारा आप भी स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करें, आप एग्रीकल्चर के जो हमारे प्रोफेसर हजरात हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं वो मेहनत कर रहे हैं, क्या आपने ये डिस्कस किया कि जो हम स्टूडेंट्स एज ए स्टूडेंट जो अप्रिशिएट कर रहे हैं अपनी जेब से अपनी मेहनत से, क्या ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? अभी देखें आप कि इमरान खान साहब ने क्लीन ग्रीन जो मुहिम है उसके ऊपर जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको तो दे दिया जी क्लीन ग्रीन, आपने जो पौधे लगाए हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपको जी पहला अवार्ड है, दूसरा अवार्ड है, पूरे पूरे पाकिस्तान के अवार्ड दे दिए, क्या फार्मर्स का हक नहीं है? क्या हमारे प्रोफेसर हजरात का हक नहीं है? क्या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका हक नहीं है? दूसरी तरफ अगर आ जाए हम तो यहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने कोरोना में फ्रंट लाइन पे लड़े हैं उनको उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, उनको अप्रिशिएट किया गया है, क्या आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान की तारीख में कभी फार्मर्स को अप्रिशिएट किया गया है, चाहे वो अवार्ड की सूरत में चाहे वो किसी भी हिसाब से कभी अप्रिशिएट कभी कोई अवार्ड मिले? लो जी अभी आप दिखा दें पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी गवर्नमेंट ने जी इस बंदे को एग्रीकल्चर पे वर्क करने के ऊपर अवार्ड दिया। मैं कितनी ऑर्गेनाइजेशन बता सकता हूँ जिन्होंने एग्रीप्रेन्योरशिप पे काम किए, जिन्होंने एक विलेज को मॉडल विलेज बनाया, कोई भी ऐसा नहीं है अवार्ड। इसकी रीजंस क्या है? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इसकी रीजंस हैं क्या? क्या इमरान खान साहब को ये नजर नहीं आता हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं कि वो एग्रीकल्चर को देखें? उन्हें पता है, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पंजाब जो है वो पंजाब समेत बल्कि पूरा पाकिस्तान ही जो है वो फूड दे रहा है, वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, हमारा मुल्क ही एग्रीकल्चर बेस्ड है ना, तो क्यों अप्रिशिएट नहीं किया जाता? इसी तरह अगर कोई भी चीज है, अगर आप मैं आपको बात बताता हूँ, अगर मैं आपको अप्रिशिएट ना करूं, आपने नेशनल एग्रीकल्चर यूथ कमीशन बनाया, आपको कितने लोगों ने अप्रिशिएट किया होगा? बहुत सारों ने, तनकीद तो लाजमी सी बात है हुई होगी, लेकिन अगर वो आपको अप्रिशिएट करते तो आपका हौसला बढ़ता, आप इस अवार्ड को जहां पे हैं वहां पे लेके जाते, तो क्या इसकी रीजंस हैं कि तमाम लोगों को नजर ही नहीं आता कि एग्रीकल्चर भी कोई चीज है, एग्रीकल्चर हमारी स्ट्रेंथ है, हम इसको भी हाइड्रोपोनिक पे आप ले जाएं, जदीद टेक्नोलॉजीज को यूज करें? सर इसके ऊपर आपके रिमार्क्स लेना चाहूंगा। अच्छा, अब जो इमरान खान साहब वाली बात हुई ना आपकी, इमरान खान साहब जब वजीर अजम बने तो उन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर पे बात की, ठीक है, और उन्होंने कहा कि मैं इसको मॉडल कर दूंगा और बड़ा कुछ करूंगा। सुने जो हमारी फर्टिलाइजर थी उनके ऊपर सब्सिडी दी जा रही थी जो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में, अब वो सब्सिडीज खत्म की जा रही, सर ये क्या है? आप सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर्स को? नहीं, मैं सुने रेट है वो यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, आप फिर कह रहे हैं कि सर ये गलत कह रहे हैं आप? नहीं, मैं आपको बताने लगा, मैं उसी तरफ आऊंगा ना। अभी जब खान साहब ने पहली स्पीच की और किसान के बारे में बात की, एग्रीकल्चर के बारे में बात की, उन्होंने कहा कि मैं एग्रीकल्चर को बेहतर करूंगा, ठीक है। अब होना ये चाहिए था
जिस अब मैं आपकी जो बातें आपने की ना, मैं उस तरफ उसको लिंक कर रहा हूँ। होना ये चाहिए था, खान साहब ने कह दिया कि जी मैं एग्रीकल्चर को लूंगा, मैं एग्रीकल्चर को प्रमोट करूंगा, मैं एग्रीकल्चर को अच्छा करूंगा, ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, होना ये चाहिए था। सबसे पहले हमारे इंस्टीट्यूट में बैठे प्रोफेसर स्टूडेंट्स, उनको ऑनबोर्ड लिया जाता, वाइस चांसलर्स को ऑनबोर्ड लिया जाता और उनके थ्रू काम किया जाता, उनको एक पॉलिसीज दी जाती, बल्कि उनको पॉलिसीज कहा जाता कि आप बनाएं। ठीक है, मेकिंग पॉलिसी मेकर्स, अभी हमने एग्रीकल्चर के मिनिस्टर्स चेंज हुए, ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर काम मुख्तलिफ तरीकों से हो रहे हैं। ठीक है, हर कोई आता है अपने तरीके से काम करने की सोचता है, लेकिन उसको ये चाहिए। अब जिस तरह मैं आपको दो तीन मिसालें देता हूँ, अब मुल्तान में है, साउथ पंजाब में मुल्तान है, IUB है, ठीक है, पोटोहार में रावल पीर महर अली शहरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जो हमारा सेंट्रल पंजाब बनता है उसमें है जी फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एग्रीकल्चर सेक्शन है, सेक्टर है। ठीक है ना, अब आपका पूरा पंजाब कवर होता है ये चार यूनिवर्सिटीज के थ्रू। ठीक है, आप आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट करें, आप एक्सटेंशन स्टूडेंट को लिंक करें, प्रोफेसर को लिंक करें फार्मर के साथ। ठीक है, वहां से क्या होता है, वहां से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। जो किसान, जो बच्चा, जो स्टूडेंट, जो प्रोफेसर एक क्लास में बैठ के आपको पूरी फील्ड विजिट करवा देता है गूगल पे, ठीक है, जब वो अगर फील्ड में जाके, ग्राउंड में जाके बच्चे को वो दिखाएगा ना, तो कितना फर्क पड़ेगा। वहां पे पता चलेगा कि किसान की मुश्किल आती हैं, ठीक है, और बीमारी, जो बीमारियां आती हैं वहां पे, वो डिजीज आ रही है वो पता चलेगा। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं मल्टीमीडिया पे चीजें देखी, और जब फील्ड में भी गए तो हमें पता ही नहीं है कि ये ब्रासिका है, ये वीट है, ये सूरजमुखी है, ये राइस है, ये मुख्तलिफ, हमें, हम फल को फूल कह रहे होते हैं और फूल वाले को फल का दरख्त कह रहे होते हैं। ठीक है ना, हम चावल को गंदम कह देते हैं, ठीक है, और ब्रासिका को हम सूरजमुखी कह देते हैं। कि ये वाले, असल में हमें आना है फील्ड की तरफ। खान साहब को, खान साहब ने एमरजेंसी ऐलान किया, एग्रीकल्चर एमरजेंसी। भाई आप एमरजेंसी ये करते कि बच्चों को और टीचर्स को निकाल देते बाहर, उन्हें कहते जाओ फील्ड में जाओ। इतना स्टूडेंट है, इतना स्टूडेंट है, इतने प्रोफेसर बैठे लाखों रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं, निकल के किसान के साथ काम करते ना। मैं कहता हूँ कि खान साहब ने 2 साल पहले ये बात कही थी तो अभी तक तो काफी चीजें चेंज हो चुकी होती। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, हमने काम नहीं किया। हमने काम कहाँ पे किया, हमने वहीं पे, हमने यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम, यूनिवर्सिटीज के ऑडिटोरियम में बैठ के कॉन्फ्रेंसिस की, हमने मिनिस्टर्स को बुलाया, हमने मिनिस्टर्स को प्रमोट किया, जे जे कार की, और बस बात खत्म। ठीक है, अब जो आपके माइंड में सवाल आ रहे हैं ये कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम समेत तमाम लोगों को ये बात बड़ी तकलीफ पहुंचेगी इस चीज से, जो इमरान खान साहब कहते भी हैं आपको तकलीफ पहुंचेगी। तो सर, ये जिस तरह एक साल दिया गया है MBBS वालों को हाउस जॉब का, तो मेरे ख्याल से एक साल के लिए हम सब लोगों को, स्टूडेंट्स को फील्ड में भेजना चाहिए। जब तक हम एक साल के लिए ग्राउंड वर्क ना करें, हम एक साल के लिए जो किसान है, हमारे फार्मर्स हैं, उनके साथ अगर हम फार्म पे ना काम करें तो हमें डिग्रीज नहीं मिलनी चाहिए। सर मैं वही चीज बता रहा हूँ, नेशनल एग्रीकल्चर यूथ कमीशन ने, मैं कहता हूँ 100% छोटी से कहता हूँ, अगर स्टूडेंट ने वो जो 4 साल है वो पढ़ा होगा तो वो कुछ ना कुछ तो फार्मर्स को पहुंचा देगा, और फार्मर्स को सीख देगा उतना कुछ के वो क्या कर रहे हैं, तो आगे उसको फर्दर स्टडीज में आसानी भी होगी। किसान कह रही है और हम खुद कुछ और कर रहे हैं, हमारी मिनिस्ट्रीज कुछ और कर रही है, हमारे जो प्रिंस मिनिस्टर्स हैं वो कुछ और कर रहे हैं, तो हमारी मैं आपको बता रहा हूँ, नेशनल एग्रीकल्चर यूथ कमीशन ने ना एक प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है, ठीक है, जिसमें रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो, ठीक है, उसमें क्या चीज है, उसमें वो चेंज होता जा रहा है, वो डाइवर्सिटी पे चले गए कि हमें प्रॉब्लम्स जो है एग्रीप्रेन्योरशिप के अलावा हमें प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा नजर आ गए, तो मेरे ख्याल से सेटिस्फाई होगी कि आज हमने किसान की बात की है, आज हमने आम आवाम की बात की, आज हमने फार्मर्स के मसाइल की बात की। मैं आपको बताऊं, अब जो हमने डिजाइन किया हुआ है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें हमने वन मैन वन विलेज रखा हुआ है, ठीक है, कि हमारे पूरे पाकिस्तान के विलेजेस देख लिए जाए, ठीक है, कि काउंट करें, और उसमें एक एक एग्री ग्रेजुएट भेज दिया जाए, बेशक लड़की है बेशक लड़का है, ठीक है, और वो पूरी रिपोर्ट दे, ठीक है, वहां पे वो अगर 6 महीने रहा है, साल रहा है, तो वो वहां पे रिपोर्ट बना के भेजे कि मैंने ये काम यहाँ पे किया, और यहाँ पे जब मैं आया था
तो ये मसाइल थे, और जब मैं जा रहा हूँ तो ये तब्दीलियाँ आ चुकी हुई हैं। ठीक है, ये इंशाल्लाह जो चीज़ें आपने कहा ना कि आप मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज, आप इन लोगों के साथ, आपके साथ रबते में, हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि इनके साथ हमारे रवाबित और हमारी ये सारी चीज़ें मुंसलिक हम इनके साथ हो जाएं। यार ये चीज़ें, मैं एक चीज़ है मैं आपको बताता चलूँ कि नेशनल एग्रीकल्चर यूथ कमीशन मेरी नहीं है, ठीक है, मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, ये पाकिस्तान की है और पाकिस्तान के लिए बनाई गई, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, ठीक है। अगर ये पूरा सेक्शन, ये पूरी चीज़ें गवर्नमेंट हमें इसी तरह उठा के इसको अडॉप्ट कर ले, ठीक है, मुझे अडॉप्ट ना करे, इस आइडिया को अडॉप्ट कर ले, आपका जो आइडिया है वो तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हम ये चाहते हैं कि मैं आपको कहता हूँ पाकिस्तानी आवाम के लिए अपने जो आइडियाज हैं, जो अपनी चीजें हैं, इतना बड़ा जो ये चेंज है, ये कभी आम इंसान ने, आम फार्मर ने, आम स्टूडेंट ने ये नहीं सोचा कभी कि वो किस तरह ये वन मैन वन विलेज वाला आइडिया, मेरे ख्याल से ये यूनिक आइडिया है। आज तक किसी को भी ऐसा होश के नाखन नहीं लेने पड़े, उसे ये सोच ही कभी नहीं आई कि वो वन मैन वन विलेज इस तरह का कोई आइडिया, इनोवेटिव सा आइडिया बोला है। सर आई अप्रिशिएट, आई सैल्यूट यू सर। सर अभी शायद भाई एक चीज है ना कि हम अपने गाँव को जन्नत तो कहना चाह रहे हैं, ठीक है, जन्नत में खुदा नहीं बिठाना चाह रहे, ठीक है ना। अब खुदा भला कौन है? खुदा सारे ही है, खुदा वो होता है जिसने उस चीज को संवारना है, बनाना है, ठीक है। एग्री ग्रेजुएट अगर बैठता है वहां पे जाके, एग्री ग्रेजुएट उसे बनाता है, उसे संवारता है, तो हम ये नहीं कह रहे कि वो खुदा बन जाएगा, लेकिन वहां पे वो उसका क्रिएटर होगा, वो इनोवेटर होगा वहां का, ठीक है, उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। और हम फिर हमारे जो गाँव है वो हमारी जन्नत भी होंगे, ठीक है, जो हमें माहौल अरसा दराज पहले जो अभी हमें नॉर्दर्न एरियाज में मिलता है वो हमें हर गांव में मिलेगा, ठीक है। हमारे किसान को अप्रिशिएट करने की जरूरत है, किया भी जाता है, लेकिन वो उस किसान को किया जाता है कि जो बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर है, जो जिसके पास 500 एकड़ है, जिसके पास 1000 एकड़ है, ठीक है, वो अगर उस 1000 एकड़ में से 1 एकड़ पे 108 मन गंदुम ले भी लेता है और उसको गवर्नमेंट बुला के अवार्ड दे देती है, तो वो मेरे ख्याल से वो कोई हक नहीं रखता, क्योंकि उसके पास 1000 एकड़ में से 1 एकड़ में वो 108 मन ले रहा है, तो पूरी अगर 1000 एकड़ में वो इतनी काम करे तो मैं कहता हूँ कि कहाँ पे बात जाती है, ठीक है। सर मेरे ख्याल से इस पे भी हम अलहदा सेशन रखेंगे, तो सर शॉर्टली सर मैं आज के कॉमेंट जो है, जो हमें हमसे सवाल पूछे गए, तो सर कॉमेंट है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मारिया राजपूत ने पूछा है कि पाकिस्तान में हर फील्ड का यही इशू है कि पुलिसेस बनती हैं वो सिर्फ किताबों तक, वो फील्ड मैंने अब एक चीज की पॉलिसी, मैं यहाँ पे मारिया को जवाब देता हूँ कि पॉलिसीज पॉलिसी मेकर नहीं बना रहे जो वहां पे बैठे हैं, ठीक है, मैं बना रहा हूँ, आप बना रही है, नौजवान नस्ल बना रही है, ठीक है। नौजवान नस्ल अब हम कहते हैं कि फ्यूचर है, ठीक है, फ्यूचर एक प्रोग्राम में मैं गया था थोड़े दिन पहले, तो वहां पे मैंने सुना कि फ्यूचर नहीं है, हम प्रेजेंट हैं, ठीक है, और हमने जाके अभी हम कुछ करेंगे ना तो हमने कल हमें कुछ मिलेगा, ठीक है, हमारी आने वाली नस्ल को उसका फ्यूचर है ना वो, ठीक है। तो ये है कि हमें पॉलिसी बनानी है और हमें मेहनत करनी है, खुद से शुरू कर रहे हैं, पॉलिसी बनाएं, काम करें, वहां तक लेकर जाएं, अपना पैगाम जरूर दें, ठीक है। पौधा लगाना है हमें, पौधा लग गया तो फिर उसकी हिफाजत करने वाले बड़े आ जाते हैं, अच्छा पौधा लगाना चाहिए जिसमें साया भी हो, जिसमें फल भी हो, क्रेडिट लेने वाले आ जाएं, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी हो ना, बिल्कुल तो फर्क नहीं पड़ता। सर एक दूसरा सवाल, वाय पाकिस्तान, ये फरजाद आसिफ तवंगर साहब हैं, ये जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं कारवाने पाकिस्तान के, ये इनकी फील्ड तो डिफरेंट है, लेकिन इन्होंने सवाल बड़ा जबरदस्त पूछा है जो हम जवाब भी दे चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा, वाय पाकिस्तान इज लैकिंग इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। एक वजह वही है कि हम लोग हम अपने साथ सिंसेयर नहीं है। मैं यहाँ पे ये कहूंगा, मैं अपने साथ सिंसेयर नहीं हूँ, मुझे रोटी नहीं चाहिए कल को मुझे वो लोगों की तरह एक बन चाहिए, ठीक है। आप एक चीज है, अभी कोविड की बात हुई थी, कोविड में ये है कि देखें आपकी कुव्वत मुदाफ़त ज्यादा है, आप रोटी खाते हैं, ठीक है, कुव्वत मुदाफ़त उनकी कम है जो गंद खाते हैं, ठीक है, जो डबल रोटी खाते हैं, हाँ ठीक है ना, वहां पे अमवात ज्यादा हुई, हम यहाँ पे बच गए, ठीक है। इस हमें थोड़ा सा खुद को ठीक करने की जरूरत है तो ये मामला सारे ठीक हो जाएंगे। मारिया राजपूत ने कहा जी एग्जैक्टली, मदिया इलियास खान कह रही है व्हाट अ ब्रिलियंट
suggestion. This must be taken into consideration. My opinion, the learning a man develops from experience is more variable. Sahib Mushahid Hussain. और यहाँ पे कह रहे हैं वान मलिक के बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री देयर आर नॉट मच अपॉर्चुनिटीज व्हाई इज इट सो सर अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ी हैं अपॉर्चुनिटीज हमें लेने की जरूरत है मैं क्या एक चीज कहता हूँ कि वन मैन वन विलेज है जो मैं अपने गांव से शुरू करता हूँ ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं ये सारी चीजें ना कि हमारी पाइपलाइन में हमने डिजाइन कर ली है ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह हर ग्रेजुएट हर एग्री यूनिवर्सिटी और हर उस बंदे को पकड़ेंगे जो हमारे साथ इस जो इनिशिएटिव में आना चाहेगा बेशक वो एग्रीकल्चरिस्ट है या ना है ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हमें उन्हें अपनी अपने साथ मिलाना है ठीक है और कहते हैं कि जब आप कुछ मुश्किल करने जा रहे हो ना तो आसानियां आपके दोस्त पैदा करते हैं तो हम उम्मीद करेंगे हमारे दोस्त हमारे लिए आसानियां पैदा करेंगे सर बहुत शुक्रिया आज के सेशन के लिए आपका बहुत कीमती टाइम लिया हमने कि आज हमारे साथ मौजूद थे अहमद रजा फिरमानी साहब जो प्रेसिडेंट है नेशनल एग्रीकल्चर यूथ कमीशन के इनकी बड़ी खिदमत है एग्रीकल्चर सेक्टर में और इन्होंने बड़ा वर्क किया हुआ है एग्रीकल्चर के हवाले से और पाकिस्तान के जितने भी फार्मर्स जो फार्मर कम्युनिटी है और एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए अवार्ड की सेरेमनी करते हैं और आज उन्होंने हमें बताया कि कौन कौन से मसाइल जो हैं हम फेस कर रहे हैं और इसका सलूशन क्या है और हम किस तरह इस जो खतरे है जो हमारी जो जीडीपी है वो कम से कम होती जा रही है एग्रीकल्चर के हवाले से हम इसको किस तरह बढ़ा सकते हैं और वन मैन वन विलेज का आइडिया दिया गया मैं इसको कंक्लूड करूंगा यहाँ पे कि हर बंदा एक ग्रेजुएट जो है वो एक विलेज में भेजा जाएगा जो वहाँ के बताएगा उसको सॉल्व करेगा तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं और हम इस उम्मीद के साथ हैं कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन बिल्कुल इसी की तरह पे हम और भी लोगों को लेके आएंगे अहमद रजा किरमानी साहब से हम फिर वक्त लेंगे जब आप फ्री होंगे तो सर आपके जो वक्त शुक्रिया इंशाल्लाह हम आपको तकलीफ देते रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो कीमती वक्त है उनमें से हमें थोड़ा सा टाइम देते रहेंगे तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म हुआ पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद थैंक यू अल्लाह हाफिज़